मम्मा क्या चाहती है? मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए पास्ता बनाए। क्या आप इसे कर सकते हैं? बढ़िया, मैं इंतजार कर रही हूँ। हमें पास्ता बनाने के लिए आटा बेलना होगा। मैं अपनी प्यारी पोती को रेडीमेड पास्ता नहीं खिलाऊंगी। नहीं नहीं, मेरे लिए सब कुछ खुद पकाना मुश्किल नहीं है। बस सब कुछ सावधानी से काटने की जरूरत है और फिर इसे उबलते हुए पानी में डालेंगे। देखो, ऊपर से पहले थोड़ा आटा छिड़क दिया, ऐसे मिलाया और अब बस इसे उठा के गर्म पानी में डाल दिया। दादी, ये बहुत बोरिंग है। क्या आपको इसके लिए स्पेशल उपकरण चाहिए? नहीं, खैर कोई बात नहीं, मैं सब कुछ खुद 100 गुना तेजी से करूंगी। हमें बस डो का एक टुकड़ा अंदर रखना होगा और मशीन शुरू करनी होगी। सुंदर पास्ता खुद कट जाएगा, ये तुरंत तैयार हो जाएगा। और अब मुझे टमाटर का पेस्ट चाहिए। इसे खोलना बहुत मुश्किल है। दादी, क्या आप इसे करेंगी? आप नहीं खोल सकती? मैं कुछ सोचती हूँ। ओह हाँ, मुझे एक लाइफ हैक पता है जो मेरी दादी ने मुझे दिखाया था। मुझे एक तौलिया की जरूरत है और नीचे हीट करने की जरूरत है। ओह, कैसा जिद्दी जार है, बिल्कुल नहीं खुलना चाहता। रुको, लाओ मैं मदद करती हूँ। मेरे पास एक खास उपकरण है, इससे यह आराम से खुल जाएगा। मैं भी स्कॉच टेप के साथ एक लाइफ हैक जानती हूँ। मेरी दादी ने मुझे उसके बारे में बताया था। स्कॉच हमेशा पास में होता है। क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें एक और लाइफ हैक दिखाऊं? देखो कितनी तेजी से मैं एक बार में सभी टमाटरों को आधा काट दूंगी। हो गया, ये जादू नहीं है, यह वर्षों का अनुभव है। हमने सब कुछ एक पैन में डाल दिया। अब हमें और टमाटर का पेस्ट डालना है और सब कुछ एक साथ मिलाना है। तुम्हें यह कैसा लगा? अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं भी आपकी तरह एक ही बार में टमाटर काट सकती हूँ। केवल आपको 2 प्लेटों की जरूरत थी और मुझे बस एक उपकरण की जरूरत है। हम इसे फ्राइंग पैन में डालते हैं। आपको क्या लगता है? ओह, यह क्या? हे भगवान, यह कैसा राक्षस है? मेरे किचन में भूत है, उसे जल्दी से यहाँ से निकालना होगा। बाहर निकलो राक्षस। यह क्या है? यह मेरा है। घंटों तक चूल्हे पर खड़े ना रहने के लिए इस चीज की जरूरत है। वो आपके लिए सब कुछ मिक्स कर देगा। यह अच्छा है, कुछ भी नहीं जलेगा। वाओ, सुंदर हैंडमेड पास्ता तैयार है। अब हमें सब कुछ एक प्लेट पर रखना होगा और ऊपर से टोमेटो सॉस डाले। मैं तैयार हूँ। ब्रिटनी, यह तुम्हारे पास क्या है? यह एक कांटा है जो नूडल्स को अपने आप घुमाता है। यह बहुत अच्छा लग रहा है। बस एक दो बार नूडल्स को घुमाया और यह प्लेट पर रखने के लिए तैयार है। बिल्कुल सही। ऐसे सजावट के लिए टमाटर का पेस्ट और कुछ छोटे टमाटर रखेंगे। बहुत सुंदर। एमा, तुम खाना शुरू कर सकती हो। वाओ, सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे इसे जल्दी ट्राई करना चाहिए। वाओ, OMG, मुझे टमाटर बहुत पसंद है। स्वादिष्ट। और यह किस तरह का पास्ता है? वाओ, यह हुई ना बात। स्वादिष्ट, मुझे पसंद है। बहन, तुमने बहुत अच्छा किया। दादी ने क्या किया है? पास्ता अलग लग रहा है। चेक कर देखती हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन मैं ब्रिटनी को विनर चुनती हूँ। ये मुझे पता था, मैं ही जीतूंगी। किचन गैजेट मेरी मदद कर रहे हैं। अब मैं चाहती हूँ कि आप पिज्जा बनाएं। यह बहुत आसान है। चलो जल्दी करो क्योंकि मुझे भूख लगी है। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? हाँ, पिज्जा डो बनाने की जरूरत है। मुझे आटा चाहिए। ओह, कुछ गड़बड़ हो गया। ब्रिटनी, क्या तुम मजाक कर रही हो? ओह, मैं आटे में ढकी हुई हूँ। ओह, नाक में भी चला गया। अब बोर्ड पर आटा डालें और एक छोटा गड्ढा बनाएंगे। थोड़ा तेल और फिर थोड़ा दूध डालेंगे। बिल्कुल सही। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं अद्भुत डो बना रही हूँ। लेकिन मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मैं इस फूड प्रोसेसर से आटा गूंद सकती हूँ। ये मेरे हाथों की तुलना में बहुत तेज होगा और कुछ गंदा भी नहीं होगा। हमें बस इसमें सभी टूल लोड करने होंगे और चलो चलते हैं। तेल डाला, आटा डाला और बस सेट किया।
ये काम कर रहा है। मैं एक असली पिज्जा डो बनाऊंगी। कितना अच्छा। क्या मैं इस बेवकूफ मशीन से हार नहीं सकती? मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। मुझे ब्रिटनी की मशीन से डो बनाने की तुलना में तेजी से डो रोल करने की जरूरत है। वाह, कुछ काम कर रहा है, बढ़िया। हाँ, और अब टमाटर पेस्ट का जार खोले। मेरे पास इसके लिए एक विशेष बोतल ओपनर है। हाँ, ये तैयार हो गया। देखो, मैंने इसे केवल किताबों में देखा है। दादी, यह 21वीं सदी है, दुनिया मशीनों से चलती है। यहाँ मेरा कैन ओपनर है, यह बहुत अच्छा है। लेकिन प्यार कहाँ है? ब्रिटनी, समझा करो कि जब हम खाना बनाते हैं तो हम न केवल सबसे स्वादिष्ट सामग्री बल्कि हमारे प्यार को भी खाना में डालते हैं। मैं एमा को प्यार करती हूँ, इसलिए मैं हमेशा उसके लिए प्यार से खाना बनाती हूँ। उसके लिए अपने हाथ गंदे करना मुश्किल नहीं है। बोरिंग, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं चीज कैसे ग्रेट करती हूँ। यदि काम को आसान बनाया जा सकता है तो इसे आसान बनाना चाहिए। यह बहुत अधिक सुविधाजनक और तेज है। मेरा चीज तैयार है। तुम लाइफ हैक चाहती हो? इसके बारे में क्या ख्याल है? हमें कांटे से सॉसेज को पकड़ते हैं और कांटा के दांतों के बीच के छेद का उपयोग करके सुंदर टुकड़ों में काटते हैं। यह शानदार है। अब केवल पिज्जा पर डालना बचा हुआ है। मैं इसे भी आसान बनाना जानती हूँ। मेरे पास कुछ भी टुकड़ा करने के लिए एक विशेष गैजेट है। हो गया, बहुत आसान है। बस इसे फैलाना है और ओवन में डालना है। लेकिन मैं इसे भी आसान बना सकती हूँ। यह पिज्जा मेकर है। ओवन के बिना भी पिज्जा अच्छे से तैयार करता है। और मैं इसे हमेशा की तरह ओवन में रखूंगी। मुझे इन मशीन पर भरोसा नहीं है। यहाँ सब कुछ तेजी से तैयार हो जाएगा। चलो टाइम सेट कर दे और इंतजार करें। हम इसे थोड़ा बांध सकते हैं। ओह, लगता मैं उलझ गई हूँ। दादी, आप ठीक हो ना? आप बहुत फनी हो। आप किससे लड़ रही हो? अब तुम्हें यह फनी लग रहा है? चलो आगे बढ़ो। मुझे शतरंज की क्या जरूरत है? मेरा पिज्जा जल्दी तैयार हो जाएगा। ओह, और यह अलार्म घड़ी बज गई है। चलो जल्दी पता करें कि क्या पिज्जा तैयार है। वाह, दादी का पिज्जा कितना सुंदर है। और ब्रिटनी का कैसा है? ओह, वो जल गया है। कितना भयानक। ओवन कोई खराब विकल्प नहीं था। पिज्जा को टुकड़ों में काटकर एमा को परोसना बाकी है। उसे बहुत भूख लगी है। दादी ने बहुत अच्छे तरीके से पिज्जा को काटा है और इसे सर्व कर रही है। स्वादिष्ट। यह क्या बकवास है? मुझे यह पसंद नहीं है। यह जला हुआ है। मैं इसे ट्राई नहीं करना चाहती। यह बहुत कड़ा भी है। ब्रिटनी, क्या तुमने इसे सीमेंट से बनाया है? नहीं, इसे खाना असंभव है। उफ, मैं दादी के पिज्जा को ट्राई करूंगी। वाह, कितना स्वादिष्ट है। चीज कितने अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है। दादी, आप महान हो। ये बहुत स्वादिष्ट है। आप जीत रही हैं। हुर्रे, मैं जीत गई। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बेटा। और अब मुझे कोको चाहिए। क्या आप इसे करेंगे? यह बहुत स्वादिष्ट होता है। मुझे ये बहुत पसंद है। अगर सभी तैयार है तो चलो। ब्रिटनी फिर से कुछ लेकर आई है और मैं सब कुछ उसी तरह करूंगी जैसे मैं अपने बचपन में किया करती थी। चॉकलेट के केवल एक बार की जरूरत है। हम इसे कटोरे में डालते हैं और इसे गर्म करने के लिए पानी के ऊपर रखती हूँ। एक विस्क से सब मिक्स करेंगे ताकि चॉकलेट जल्दी पिघल जाए। वाव, यह अच्छा है। और मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मैं सब कुछ एक ब्लेंडर में डाल दूंगी। मुझे बहुत दूध चाहिए। हाँ, सब डाल दिया। इसमें हम किंडर डालेंगे। बढ़िया। ढक्कन लगाना नहीं भूलना है और चालू करें। अरे, ये काम क्यों नहीं कर रहा है? अजीब है। चलो। ओह, ये काम कर रहा है। वाह दादी, मैं पूरे हिल रही हूँ। मेरी मदद करो, मैं रुक नहीं सकती। ब्लेंडर बहुत पावरफुल है। मैं इसे बंद करने की कोशिश करती हूँ। अब सब ठीक है। अब हमें एक ग्लास में सब कुछ डालना होगा। लेकिन ऐसा मत सोचो कि ये सिर्फ काला है। इसमें एक कोल्ड टेम्परेचर लिक्विड डालना जरूरी है, फिर यह रंग बदल लेगा। शानदार। अब कोको एक सुंदर मग में है और अपना आधा काम हो गया। अब हमें मार्शमेलो के साथ सब कुछ सजाने की जरूरत है।
कोको मार्शमेलो के बिना नहीं हो सकता। तैयार। अब मैं तुम्हें एक मास्टर क्लास दिखाने जा रही हूँ। मुझे पेस्ट्री बैग चाहिए, इसमें चॉकलेट डाले। बढ़िया, अब मुझे जरूरत है। अरे मेरा सांचा कहाँ है? मुझे कहीं मिल नहीं रहा है। ओह ब्रिटनी, यह मेरा सांचा है। हमें इसमें पिघली हुई चॉकलेट डालना होगा। हर एक सांचे में मेरे पास ये दिल है। अब इसमें स्टिक्स डालेंगे और सुंदर कैंडीज या मार्शमेलो के साथ सब कुछ सजाएंगे, जो भी तुम चाहो। तैयार, अब केवल इसे जमाना है। मैंने इसे सुंदर कैंडीज से सजाया है। कितना सुंदर दिख रहा है। और अब हमें गर्म दूध और कुछ मार्शमेलो तैयार करने की जरूरत है। तुम इसे ट्राई कर सकती हो। सच में मुझे जल्दी कोको पीना है। मैं इसके साथ शुरू करना चाहती हूँ। एक प्यारा ग्लास। एक मिनट रुको, यहाँ क्या है? वाओ, मार्शमेलो, स्वादिष्ट। और स्टिक पर ये दिल कैसा है? मुझे उनके साथ क्या करना चाहिए? ओह यह सही है, बस उन्हें दूध में डुबोना है। चॉकलेट वहाँ पिघल जाएगी और हमें कोको मिलेगा। वाओ कितना सुंदर रंग। इसे जल्दी पी कर देखना चाहिए। वाओ ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। और दादी जीत रही है। सच में मैं बहुत खुश हूँ। धन्यवाद बेटा। सबसे पहले मुझे दूध और सीरियल खाना है। हाँ ठीक है, ओके, मैं कोशिश करूँगी बेटा। सबसे पहले मुझे आटा और थोड़ी चीनी चाहिए। ये गया आटा और ये गया चीनी। हाँ, अब मुझे उन पर उबलता पानी डालना है और इसे अच्छे से विस्क की मदद से मिला देना है और फिर इसे बेकिंग शीट पर फैलाना है। अच्छे से फैला दिया। अब इसे पकने के लिए अवन में रख देती हूँ। हाँ, और थोड़ा इंतजार करना होगा। वाओ कितने मजेदार मोल्ड्स हैं। मैं न्यूटेला सीरियल्स बनाऊंगी। इसे दबाने में कितना मजा आ रहा है। खैर ये रहा न्यूटेला। मैं इसे अपनी उंगली के सहारे बाहर निकालूंगी, पर पहले थोड़ा खा लेती हूँ। वाओ मजेदार। चलो मैं एक सिरिंज में न्यूटेला भर लेती हूँ और फिर उसे वो इस मोल्ड में भर देती हूँ। ऐसे मैं थोड़ी कैंडी भी डालूंगी और मेरे स्किटल्स होंगे यहाँ। वाह मेरी छोटी बहन जरूर बहुत खुश होगी, खासकर जब इस शानदार कटोरी को देखेगी। ये कितना प्यारा, बस दूध डालना बाकी है, पर मैं इसे खोल पाती। आह, उफ, ओह, मैंने सब गिरा दिया। ओह, धन्यवाद दादी। ओह, कोई बात नहीं बेटा, चलो करो। चलो इसमें दूध डाल दिया और हो गया। मुझे प्यारे से भालू की शेप के मिनी पैनकेक सीरियल बनाने का मन है। यह एकदम लाजवाब होने वाला है। ये उसके कान बन गए और ये लगभग तैयार है। मैं इसे एक कटोरे में रखती हूँ और इस पर अब दूध डाला और ये तैयार है। रुको, मेरा इंतजार करो, मुझे सीरियल बनाने के लिए बस थोड़ा और समय चाहिए। आ दादी। अच्छा मैं तैयार हूँ। हाँ ये तैयार हो गया, बस दूध की कमी है। दूध डाल दिया। बॉन एपिटीट बेबी। वाह ये सीरियल बहुत बढ़िया लग रहा है, मुझे बहुत पसंद आया। चलो इसे चख कर देखती हूँ और दूध पीती हूँ। वाह शुक्रिया बहन। वाह कितने क्यूट भालू हैं। ये भी अच्छे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा स्वाद है। वाह बहुत बढ़िया शेफ। वाह दादी आपने भी अच्छी कोशिश की है।
का स्वाद बहुत अच्छा है। लेकिन क्रिस जीत गई। वाह, हुर्रे! सभी इधर ध्यान दो, प्लीज मेरे लिए हॉट डॉग बनाओ। हाँ बिल्कुल, यह तो आसान है। ये ठीक है बहन, मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? अंडा तोड़ना है। आउच! तुम्हें अंडे को एक कटोरे में तोड़ना है। इसके बाद आटा बनाने के लिए दूध और मैदा मिलाना होगा। देखो ऐसे। दादी देखो मैंने गैजेट खरीदा है, इससे अंडा ऐसे तोड़ सकते हैं। ओह क्या बकवास है। खैर मेरा आटा तैयार है, अब मैं इसे ओवन में रख सकती हूँ। मेरा आटा भी तैयार है। उफ, मुझे इसे वफल आयरन में पकाना बहुत पसंद है। ओह बेटा तुमने मुझे डरा दिया। बस दादी इसे बंद कर देती हूँ। मेरा हॉट डॉग लगभग तैयार है। आप क्या कर रही हो दादी? क्या खुशबू है। मुझे सॉसेज को तलना है और फिर इस पर केचप और मस्टर्ड लगाना है। ये गया मस्टर्ड और ये गया केचप। वाह बहुत बढ़िया दादी। लेकिन मेरे पास खुद की रेसिपी है। आटे को काला करने के लिए मैं ऑक्टोपस इंक का इस्तेमाल करूंगी और फिर इसे ओवन में रख देती हूँ। थोड़ा इंतजार करना होगा। शाबाश क्रिस, बढ़िया हॉट डॉग है। धन्यवाद। मैं चिप्स और चीटो से कुछ ब्रेडिंग भी डालूंगी। ये और मैं उन पर सॉस लगाऊंगी। वाह बढ़िया, सब पर। क्या खुशबू है। बढ़िया, अब मैं इसे काट लेती हूँ बीच से। वाह ओह यह कैसी महक है, यह ऑक्टोपस है। हाँ सही कहा, बस इसे कुड़कुड़ा होने तक तलना है और फिर इसे ऐसे बन पर रखा और इसके ऊपर पिघला हुआ ब्लू चीज डालना है। पहले इसे पिघला लेती हूँ ऐसे और इसे डाल दिया ऑक्टोपस के ऊपर। अब केवल एक चीज की कमी है, वह है तीखी मिर्च जो इसे और भी रंगीन बना देगा। यहाँ रख दिया और थोड़ा नींबू भी। बोन एपिटी। वाह वाह ओह मम्मी यह क्या, ऑक्टोपस? इसमें मिर्च भी है। मैं पक्का तीखी मिर्च नहीं खाऊंगी। चलो अब इसे थोड़ा चक कर देखती हूँ। ऑक्टोपस बहुत खराब है, नहीं मैं इसे नहीं खा सकती। उफ, मैं दादी के बनाए गए हॉट डॉग को ही ट्राई करना चाहूंगी। वाह ये बहुत स्वादिष्ट है, मुझे ये बहुत पसंद आया। वाह दादी ये बहुत अच्छा है, लेकिन यह तो और भी टेस्टी है। इसे ट्राई करती हूँ। चीज कितने अच्छे से स्ट्रेच कर रहा है और मेरी बहन फिर से जीत गई। और अब मुझे आइसक्रीम चाहिए। हाँ ये बनाना बहुत आसान है। मैं शुरू करती हूँ। नींबू का रस निचोड़ना है और फिर इसे ब्लेंडर में डालें और फिर रास्पबेरी और बेसिल और फिर निश्चित रूप से चीनी। यह गया चीनी। अब इसे मिला देते हैं। अब ड्राई आइस डालने का समय है। ये गया। वाह बहुत बढ़िया। वाह ओह क्या शानदार ऑयस्टर्स है। बढ़िया, रास्पबेरी आइसक्रीम पहले से ही तैयार है तो मतलब मैं इसे परोस सकती हूँ। ये यहाँ इस तरह से रख दिया और यह तैयार है। मैं आइसक्रीम गैजेट ऑर्डर करूंगी, इसमें खाना बनाना बहुत आसान होता है। ये आ गया, बस इसमें दूध डालना है और फिर स्केटर्स। चलो इसे डाल देती हूँ।
रंग बिरंगे स्किटल्स और अब इसे अच्छे से मिला देती हूँ। बेटा क्या सब ठीक है? हाँ दादी, मेरी आइसक्रीम तैयार है। देखो क्या बढ़िया है। फिर मैं दूध और ताजी बेरीज और फलों से ब्लेंडर में अपनी आइसक्रीम बनाना शुरू करूंगी। बेशक इसमें ताजी ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी होंगे, साथ ही पिच के साथ कीवी और केला भी होगा। ये गया स्ट्रॉबेरी और इसे मिक्स करती हूँ। अब कीवी, इसे भी मिक्स कर देती हूँ और केला भी अच्छा रहेगा। चल इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। ये पीच और सबको एक साथ मिक्स करना है। मुझे बस उन्हें मोल्ड में फ्रीज करना होगा। अलग अलग मोल्ड में रख दिया और इसे फ्रीज में रख देती हूँ। रुको, मेरे पास इंस्टेंट फ्रिज स्प्रे है। मैं आपकी मदद करूंगी और बहुत लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये अब सब कुछ तैयार है। बॉन एपिटीट बेबी। हुर्रे! मैं अपनी बहन की आइसक्रीम से शुरुआत करूंगी। मुझे यकीन है कि ये बहुत स्वादिष्ट होगी। बहुत अच्छा। हुर्रे! शेफ ने कितनी शानदार आइसक्रीम बनाई है। वाव! चलो इसे चेक कर देखती हूँ। लेकिन मुझे पसंद नहीं आया। उफ। बस अब दादी ने जो बनाया है उसे ट्राई करना बाकी है। स्वादिष्ट, बहुत अच्छा है। वाव! बहुत बढ़िया स्वाद। वाव! मैंने तय कर लिया, दादी जीत गई। धन्यवाद बेटा। इस बार मुझे मिल्क शेक चाहिए। ओह वाव, ठीक है, बहुत अच्छी चॉइस है। सब कुछ क्लियर है बच्चे। मैं इसे चॉकलेट आइसक्रीम और दूध के साथ बनाऊंगी। ये गया दूध और फिर इसे विस्क से अच्छे से मिलाऊंगी। मुझे लगता है कि अगर मैं इसे क्रीम से सजाऊंगी तो उसे ये जरूर पसंद आएगा। पहले मैं इसे अपने फेवरेट कप में डाल देती हूँ, फिर ऊपर से क्रीम और यह स्ट्रॉ। यह तैयार है। गैजेट का इस्तेमाल करके स्मूदी बनाना बहुत आसान है, जिसमें बस दूध डालना है और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। दूध गया, अब ये रहा स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। इसे डाल देती हूँ और मिक्स करती हूँ। इसे ग्लास में डालना भी बहुत आसान है। वाओ! और अब इसे स्किटल्स और गमी बेयर के साथ सर्व कर सकते हैं। और हाँ, मेरी फेवरेट क्रीम और स्प्रिंकल्स। ये गया क्रीम। पहले टेस्ट कर लेती हूँ। बहुत बढ़िया, क्रीम डाला और ऊपर से स्प्रिंकल्स, रंग बिरंगी। और ये रहा स्ट्रॉ। हुर्रे! हम तैयार हैं, शेफ और आप। एक मिनट, मैं एक बड़े चॉकलेट अंडे में चॉकलेट आइसक्रीम और स्ट्रॉबेरी क्रीम के साथ मिल्क शेक बनाऊंगी। चॉकलेट आइसक्रीम, इसे डाल दिया। ओ, मैं इसे सजाना तो नहीं भूल सकती। क्रीम से सजा दिया और ये स्प्रिंकल्स, स्ट्रॉ और ये तैयार है। बॉन एपिटीट बेबी। 1, 2, 3। मैं दादी के मिल्क शेक से शुरू करूंगी। वाह, ये स्वादिष्ट है। मुझे बहुत पसंद आया। यम्मी। धन्यवाद बेटा।
वाओ, मेरी बहन ने भी बहुत अच्छी ड्रिंक बनाई है। अद्भुत स्वाद। धन्यवाद। अब केवल शेफ की मिल्कशेक ट्राई करनी है ताकि मैं अपना फेवरेट चुन सकूं। वाओ, ग्लास की जगह एक चॉकलेट अंडा है जिसे मैं खा भी सकती हूँ। धन्यवाद शेफ, ये बहुत अच्छा है। अद्भुत स्वाद, मैं पूरा खा लूंगी। वाओ, बहुत बढ़िया। पर इस बार भी क्रीज जीत रही है। ये मैं जीत गई। वाओ, यहाँ एक अनानास है। ये हमारी किचन में इतना बड़ा कैसे हो गया? क्या मजाक है। अब हमें जल्दी जस्टिन के लिए इसे एक डोनट बनाने की जरूरत है। वाओ, मेरे मार्शल आर्ट इसके लिए उपयोगी होंगे। हैया! हाँ, यह कूल और बहुत मजेदार निकला। जरा इसे देखो। मेरे पास एक मजेदार आइडिया है और मुझे इसके लिए केतली की जरूरत होगी। हाँ, यह रहा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज चॉकलेट बार है। मैं इसे पिघलाना चाहती हूँ और इसके लिए मैं इसे उबलते पानी में डालूंगी। बस इसके उबलने का इंतजार करना होगा। हाँ, और अब मेरे पास यह पिघला हुआ चॉकलेट है। चलो इसे अनानास पर डालती हूँ और अब यह स्प्रिंकल्स। वाह, बहुत सुंदर। चलो इसे जस्टिन के पास लेकर जाती हूँ। ओह, मैं इसे मिस कर गया। फिर से ट्राई करता हूँ। बस ऐसे ही, मैं जीनियस हूँ। ओह, यह कितना अजीब रिंग है। जस्टिन रुको, यह मेरा अनानास डोनट है जो मैंने खासकर तुम्हारे लिए बनाया है। तुम्हें यह खाना है। ओह, मैं समझ गया। धन्यवाद बहन, यह बहुत मीठा है। बहुत बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट, 5 स्टार। तुम सही कह रहे थे, यह बहुत स्वादिष्ट है। ओह, ऐसा लगता है किसी ने स्टोव पर पास्ता छोड़ दिया था और वे सूख गए हैं। इसका मतलब है मुझे इससे एक नया डोनट बनाने का आइडिया आया है। जब जस्टिन उसे देखेगा तो हंसते हंसते मर जाएगा। हम दोनों के लिए दो डोनट्स बनाने के लिए इसे आधे में काटने की जरूरत है और सभी डोनट्स को बीच में काट लेंगे। बस इस तरह से। देखो जरा इसे। और अब मुझे इस ढक्कन की जरूरत होगी बीच से छेद बनाने के लिए। और यह तैयार है। फिर अरे नहीं, यह क्या हो रहा है? डोरिटोस। मुझे इसकी जरूरत थी। इससे मैं ब्रेड क्रम्ब बनाने का तरीका जानती हूँ। वाओ, मैं टैलेंटेड हूँ। चलो पहले इसे अच्छे से तोड़कर छोटे टुकड़ों में बना देती हूँ। ऐसे। हाँ, यह अच्छा आइडिया है। और अब पहले कटोरे में डोरिटोस को डालती हूँ। बढ़िया। और दूसरे में आटा। पहले इसे अंडे में डुबोती हूँ। फिर आटे में। और अब इस डोरिटोस क्रम में। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट और तीखा होने वाला है। चलो इसे तेल में फ्राई करती हूँ। सुगंध बहुत अच्छी आ रही है। मैं इसे खाना चाहती हूँ। और यह तैयार है। चलो इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ और जस्टिन के पास लेकर जाती हूँ। वाह, मैं इसे तुरंत खा लेना चाहती हूँ। वाह रेक्स, तुमने पियानो बजाना कब सीखा? गुड बॉय, ब्रेवो। भाई, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ताड़ा। वाह, क्या तुमने डोनट खुद बनाया है? वाह बहन, ये बहुत ही मजेदार है। तुमने ये कैसे किया? चीज कितने अच्छे से स्ट्रेच कर रहा है। सुपर स्वादिष्ट। चलो चलो, तुम भी खाओ। हाँ, धन्यवाद। वाह, जस्टिन को कितनी अच्छी ट्रेन गिफ्ट मिली है। मैं इसे खेल रही हूँ। चुक चुक। और यहाँ मेरे सारे फेवरेट ट्रीट्स हैं। वाह, यहाँ इतने सारे मार्शमेलो हैं। एक पूरे डोनट के लिए काफी है। एक शानदार आइडिया है। हमें तुरंत मार्शमेलो को पिघलाने की जरूरत है।
और उसे पेस्ट्री बैग में भी डालना होगा। पहले इसे पिघला लेती हूँ इस तरह से। यह तैयार है और अब मुझे पेस्ट्री बैग चाहिए। मुझे वो कहाँ मिल सकता है? ओ हाँ, मैं अपने भाई से चुरा लूंगी। बाई और तीन सितारे, और इसीलिए इसे नक्षत्र कहा जाता है। हाँ, यह हैट मुझे दे दो, मुझे इसकी जरूरत है। हाँ चलो, अब इसमें मार्शमेलो को डाल देती हूँ। हाँ, यह गया अंदर। और अब मैं इसे डोनट्स बनाऊंगी। जरा इसे देखो, बहुत सुंदर दिख रहा है ना? थोड़ा और इधर भी, और मेरा काम लगभग हो गया। वाव, बस इसे अब फ्रिज में रखना है। बस इस तरह से, और थोड़ा इंतजार करूंगी। मुझे लगता है कि यह तैयार हो गया है। वाव, लेकिन पहले मुझे इसे अच्छे से सजाना होगा। चलो पहले इसे निकाल कर प्लेट में रखती हूँ। और अब स्ट्रॉबेरी सिरप। कितना सुंदर दिख रहा है। और हम स्प्रिंकल्स के बारे में भी नहीं भूल सकते हैं। और यह रहा। वाव, बहुत सुंदर, बहुत रंगीन। वाव, सुगंध की बात ही कुछ अलग है। ओह वाव, बस मैं ये पकड़ लूंगा। ये मेरी मछली है। अरे जस्टिन, ओह मेरी मछली। ब्रिटनी, क्या हुआ? ओह, ये फिर से डोनट है। वाह, तुमने इसे मार्शमेलो से बनाया है? ये बहुत स्वादिष्ट है। तुम बहुत टैलेंटेड हो। चलो मेरे साथ मछली पकड़ो। वाओ, मैंने बहुत खा लिया है। ओह यह क्या है? यह एक वॉफल मेकर है। यह एक मजाक है क्या? ओह, मुझे लगता है मेरे पास अभी भी कुछ गमीज है। अगर मैं उसे वॉफल मेकर में पिघलाती हूँ तो क्या मैं एक स्वादिष्ट डोनट बना पाऊंगी? सुपर, अब बस थोड़ा इंतजार करना है। हाँ चलो, थोड़ा डांस करती हूँ। ये ओह, ये बहुत अच्छा म्यूजिक है, मुझे बहुत पसंद है। अब मैं थोड़ा योग कर लेती हूँ। वाह, शांत हो जाओ, शांत। ओह यह क्या, लगता है ये जल रहा है। ओह, मैं इसमें डालकर भूल गई थी, लेकिन अब यह बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। मार्मलेड डोनट्स, बहुत सुंदर। थोड़ा स्प्रिंकल छिड़क देती हूँ और यह जस्टिन के पास लेकर जाती हूँ। देखने में बहुत खूबसूरत दिख रहा है। ओह, मुझे तुरंत बैकअप की जरूरत है। कोई बुला रहा है? कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। हैंड्स अप जस्टिन, ओह मुझे बचाओ। यह ठीक है, यह तुम्हारे लिए है फाइटर। तुम ठीक तो हो? यह क्या है? तुम मुझे सरप्राइज करना कभी नहीं छोड़ती। ये डोनट्स वास्तव में बहुत अच्छे लग रहे हैं। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। तुम ग्रेट हो, मुझे और चाहिए। ये बहुत 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 स्वादिष्ट है। वाह, हाई फाइव सिस्टर। मैं क्या खाऊं? आइसक्रीम, क्या बात है। चलो अब मैं इसे खाऊंगी। इसे खोलती हूँ। क्या ये खुल नहीं रहा है? ओह, ऐसा लगता है कि ढक्कन से चिपक गया है। उफ, खुल ही नहीं रहा है, कितना मुश्किल है। तुम शरारती जार, बस अब तुम मुसीबत में हो। मैं तुम्हें उड़ा दूंगी ढक्कन। ये विस्फोट ना कर जाए। ओह, यह क्या, कुछ काम नहीं किया। ओह, क्या सच में? ठीक है, चलो मेरे पास दूसरा आइडिया है। मेरे पास चाकू है, मैं उसे इसे काट दूंगी। आखिरकार यह हो गया। चलो मैं इस आइसक्रीम से सुंदर डोनट बनाऊंगी। डोनट आइसक्रीम, और यह व्हाइट ग्लेज और ऊपर से गोल्डन सुगर। ओह, यह बहुत सुंदर दिख रहा है। मुझे लगता है मेरे भाई को मेरा आइडिया पसंद आएगा। अरे चलो, मैं ठीक से गिरा, अब मैं खुद से निकल जाऊंगा। तुम हमेशा गिर क्यों जाते हो? चलो इसे ट्राई करके देखो। वाह, इसके स्वाद तो बहुत अच्छा लग रहा है।
क्या ये आइसक्रीम है? वाह, तुम्हारा आइडिया तो बहुत मस्त था बहन। तुमने बहुत अच्छा किया, मुझे सच में बहुत पसंद आया। पिप-पिप, मैं आ रही हूँ। ओह, ये एक्सीडेंट हो गया। ओह, हमें तुरंत पहिया को बदलना होगा। चलो देखें हमारे पास स्पेयर में क्या है। वाह, सबसे पहले ब्रेक लेने के लिए और आराम करने के लिए हमारे पास एक पॉपिट है। और फिर एक पर्स। ओह, ये अफसोस की बात है कि ये खाली है। What is this? और यह क्या है? सिरिंज? मैं इसे खींचती हूँ। वाह, बस मुझे इसकी जरूरत थी। सेब को बीच में से काट लेते हैं ऐसे, और उसके ऊपर न्यूटेला डालेंगे। और न्यूटेला कहाँ है? ओह वाह, मैं इसे और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए इसे एक सिरिंज से डालूंगी। चलो यहाँ डालती हूँ। जरा इसे देखो, कितना खूबसूरत लग रहा है। वाह, चॉकलेट और सेब, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। और ऊपर से स्प्रिंकल से, बहुत खूबसूरत। और यह सर्व किया जा चुका है। चलो जस्टिन के पास जाती हूँ। ओ बस, मैं बैलेंस कर रहा हूँ। आहो, मेरा सिर, तुम हमेशा मुझे डिस्टर्ब करती हो। नहीं, मैंने जानबूझकर नहीं किया है। जरा तुम इसे ट्राई करके देखो। अच्छा ठीक है, मैं इसे ट्राई करता हूँ। ये जरूर स्वादिष्ट होगा, मैंने इसे पहले कभी नहीं खाया। वाह, तुमने बहुत अच्छा किया है। हाँ, यह तो है।